दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर बड़ी खबर। जी हाँ, यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 डेट शीट कब जारी होगी, तो इस वीडियो में आपको आगे फुल डिटेल के साथ बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं। जी आपको बता दें, प्रदेश में पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया है। वहीं बोर्ड की ओर से पंचायत चुनाव पूरे होते ही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। वहीं बोर्ड की ओर से परीक्षाएं समय से पूरी हो, इसके लिए बोर्ड की ओर से पूरा ध्यान दिया जा रहा है। वहीं बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मई में, वहीं यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। वही कार्यक्रम की घोषित एक दो दिन में हो जाएगी। जी आपको बता दें, यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पहले 24 अप्रैल से 12 मई के बीच होनी थी। अब पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू होने और फिर पूरी चुनाव प्रक्रिया 2 मई तक हो जाएगी। इसके बाद सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षाएं करने का फैसला किया है। वही मई के पहले हफ्ते में यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होकर मई के अंतिम सप्ताह तक हो जाएगी। वही बोर्ड की ओर से पहले से जारी कार्यक्रम जिस विषय की परीक्षा जिस क्रम में है वही होगा, उसी क्रम बाद में परीक्षा कराए जाने की उम्मीद है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के दोनों में हिंदी व बोर्ड परीक्षा में 56 लाख से अधिक परीक्षा पंजीकरण हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कुल 56,03,814 छात्र छात्राएं शामिल हैं। परीक्षा में हाईस्कूल में 29,94,314 और इंटरमीडिएट में 26,09,501 छात्र हैं वही शामिल हो सकते हैं। जी बात की